बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मेरी हमेशा दुआ है आप खुश हो खुर्रम रहें। तो फ्रेंड्स आएँ बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो की तरफ चलते हैं। ये देखें मेरे पास है बीफ, ठीक है, 1 kg। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है, 1 चम्मच के करीब तकरीबन मैंने 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें 1 गिलास पानी का डाल के इसको मैं बॉयल करूँगी और वीडियो फुल देखना। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी रेसिपी है, तो इसको फॉलो ज़रूर करना। तो काइंडली प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंडों से, अपने दोस्तों से सबसे ज़रूर शेयर किया करें। फ्रेंड्स आए बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो फुल देखना। तो फ्रेंड्स ये देखें मैंने 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी मैं प्रेशर को बंद कर दूँगी 10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स ये देखें मैंने बीफ निकाल लिया है, ये देखिए मेरा बीफ गल चुका है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास है शलजम तकरीबन 1.5 किलो के करीब, ठीक है। ये बाद में गलने के बाद बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए ये मैंने 1.5 किलो लिए हैं तकरीबन। हाँ जी इतने ही हैं, 1.5 किलो ही हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको प्रेशर में डालेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखें अभी मैंने प्रेशर को इसमें इसको डाल दिया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स तकरीबन थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच से भी बहुत कम। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम तकरीबन 1 चम्मच ऐड करेंगे चीनी। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने चीनी क्यों डाली है इसमें शलजम में। तो फ्रेंड्स इसमें जो कसालापन होता है शलजम में वो ख़त्म हो जाता है, और जो यानी कि कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसकी कड़वाहट जो होती है वो चीनी से वो मीठापन आ जाता है। फिर इसमें ना टेस्ट में यानी कि ये नहीं होता कि जायका अच्छा नहीं लगता, लेकिन टेस्ट फिर अच्छा लगता है शलजम का। तो फ्रेंड्स इसको अभी मैं इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी। देखें मैंने चीनी और नमक के अलावा इसमें कुछ नहीं डाला, 1 गिलास मैंने पानी का डाल दिया। अभी मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर को बंद कर रही हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो फुल देखना है, ये बहुत अच्छा सालन बनने वाला है, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो प्लीज़ काइंडली फॉलो ज़रूर करें वीडियो। फ्रेंड्स ये देखें शलजम गल चुके हैं, ये आप देख सकते हो, ये देखें मैंने ऐसे इसको तोड़ा है, ये देखें आराम से टूट गया, ये देखें गल चुके हैं फ्रेंड्स शलजम। तो ठीक है अभी हम आते हैं इसको मसाले की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखें मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप, ये देखें मैंने 1 कप के तकरीबन 1 खुला डुला मैंने 1 कप डाल दिया है, क्योंकि शलजम है इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डलेगा, अगर घी कम हुआ तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, सूखा उसमें जो सूखापन होता है वो नहीं उसका अच्छा लगता। तो ये देखें फ्रेंड्स मैंने खुला डुला 1 कप घी का डाल दिया है, ऑयल का सॉरी। तो फ्रेंड्स ये देखें अभी ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अभी मैं बड़े साइज़ का एक प्याज डालने लगी, बड़े साइज़ का एक प्याज डाल दिया मैंने। जो हमेशा की तरह मेरी रूटीन है फ्रेंड्स, इसको मैं 2 से 3 मिनट खाली प्याज को भूनूंगी, ठीक है। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं प्याज को, अभी मैं इसमें लहसुन ऐड करूंगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब। ये देखें मैंने 1 चम्मच लहसुन डाल दिया, और फ्रेंड्स अभी मैं 1 चम्मच ही अदरक ऐड करूँगी। ये देखें मैंने 1 चम्मच अदरक ऐड कर दिया, ये थोड़ा थोड़ा सा बचा है फ्रेंड्स, ये देखें तकरीबन 1.5 चम्मच दोनों का हो गया है। वैसे मैं अदरक लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ फ्रेंड्स। ये देखें अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी, ठीक है, हल्की आंच पे। देखें मेरा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, ये देख सकते हैं लहसुन और अदरक भी ये देखें लाइट ब्राउन हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसमें गोश्त को ऐड करूँगी, ये देखें फ्रेंड्स अभी मैं इसको गोश्त को इसमें ऐड कर दिया। फ्रेंड्स ये देखें इसको अभी मैं ऐसे ही भूनूंगी, क्योंकि इसमें मैंने पहले नमक ऐड कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये देखें अभी मैं इसको भून रही हूँ, अभी मैं इसको 5 से 6 मिनट तक ऐसे भूनूंगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर और कटी हुई सब्ज मिर्च, तकरीबन 3 से 4 अदद कटी मिर्च सब्ज, और एक बड़े साइज़ का टमाटर। अभी मैं इसको भूनूंगी। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें टमाटर काफ़ी गल चुका है और नरम हो गया है फुल। तो फ्रेंड्स ये हाफ कटोरी में दही ऐड कर रही हूँ। ये देखें हाफ कटोरी मैंने दही ऐड कर दिया। अब मैं इसमें छोटी चम्मच हल्दी ऐड करूंगी, ठीक है, और नमक 1 चम्मच ऐड करूंगी, रेड मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच फ्रेंड्स, 3 चम्मच, ये मैंने रेड मिर्ची पाउडर के 3 चम्मच डाल दिए, ठीक है। इसको मैं फ्रेंड नमक मिर्ची को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैंने भूनते हुए मैंने कहीं भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, और पानी का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ मसाले में, और जो टमाटर का पानी होता है, दही का पानी होता है, तो उसी में ही मैं नमक मिर्च को भूनती हूँ और मसाले को भूनती हूँ, ठीक है। तो अगर पानी का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें आप टेस्ट माशाल्लाह से डबल ले सकते हैं अपने खानों का। तो फ्रेंड्स ये देखें अभी ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसको ऐड कर रही हूँ शलजम को, ये आप देख सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स मैंने शलजम ऐड कर दिए। तो फ्रेंड्स आप शलजम तो ज़रूर बनाते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको अभी रेसिपी बताई है जिस तरह मैं फ्रेंड्स बना रही हूँ, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि इससे इस तरह जो जायका है वो कम नहीं होता और डबल जायका रहता है। तो फ्रेंड्स आप खुद बना के खुद खाएंगे तो आपको लगेगा कि ये आपने खाना नहीं बनाया, कि आपने किसी होटल से लिया है, इतना अच्छा टेस्ट है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से लिया है। तो फ्रेंड्स इससे आपका टेस्ट कभी कम नहीं होगा बल्कि डबल टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये देखें ये शलजम बिल्कुल गल चुके हैं, तो अभी हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये इसके अंदर घुलना शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं ये घुलना शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी हम शलजम को भी इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने सब्ज़ मिर्च रखी थी, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, और सब्ज़ मिर्चें मैंने 5 से 6 रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको भी इसमें ऐड कर दिया है और ये भी साथ ही इसके भुनेंगी। फ्रेंड्स ये देखें अभी ये भुन रहा है, जो थोड़ा सा पानी बचा था, बहुत कम पानी बचा था, ये देखें मैंने वो ऐड कर दिया इसके अंदर ही, क्योंकि उसमें शलजम का जायका भी है और गोश्त का जायका भी है। तो फ्रेंड्स वो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, वो इसको हम इसी में खुश करेंगे और इसी में ही भुनेंगे, हमने अलग से पानी नहीं ऐड करना। सालन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, ये देख सकते हैं शलजम भी अच्छे से भुन चुके हैं, मैंने 5 से 6 मिनट इसको भून लिया है, ये आप देख सकते हो। ये देखें फ्रेंड्स, और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास ये देखें तकरीबन छोटा चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। फ्रेंड्स ये मेरा मसाला वो वाला है कि मैंने खुद इसको भून के और मैंने इसको ग्राइंड किया हुआ है, मैंने साबुत मसाले को सबको पहले अच्छे से भुना है, उसके बाद ये मेरे पास तैयार पड़ा हुआ था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने तकरीबन छोटी 1 चम्मच डाल दी है भुना हुआ गरम मसाला। तो फ्रेंड्स इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है भुने हुए मसाले की। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करना और अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, सब में। फ्रेंड्स ये देखें मैंने सालन निकाल लिया है, ये देखें मेरा सालन बिल्कुल तैयार है। शलजम गोश्त मेरे पास बीफ था, ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये देखें, आप देख सकते हैं खुशबू भी अच्छी आ रही है। आप मेहमानों को घर में सबको सर्व करें और फ्रेंड्स फॉलो ज़रूर करें। और ये देखें लेमन के साथ भी ये इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखें मैंने साथ खीरा भी रखा है। तो फ्रेंड्स सैलड के साथ और लेमन के साथ फ्रेंड्स आप चपातियों के साथ इसको आप मेहमानों को पेश करें। तो फ्रेंड्स ये देखें घर वालों को भी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। फ्रेंड्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।